बांदा में समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी आनंद कुमार त्रिपाठी उर्फ बब्बू ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसकी वजह से भाजपा के जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हो गए। आज कलेक्टर बांदा में निर्विरोध एमएलसी पद पर निर्वाचित होने के बाद जमकर खुशी जताई। वही संकट मोचन मंदिर के दर्शन कर कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि आज कलेक्ट्रेट परिसर से सपा प्रत्याशी आनंद त्रिपाठी उर्फ बब्बू ने अपना एमएलसी पद का आवेदन पत्र वापस ले लिया है। ये जानकारी मौखिक रूप से जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने दी है। उन्होंने कहा कि सपा समर्थित प्रत्याशी आनंद त्रिपाठी उर्फ बब्बू त्रिपाठी ने अपना पर्चा बिना किसी दबाव के वापस लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। वहीं सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोग पर्चा तक नहीं दाखिल कर पाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए सपा प्रत्याशी ने अपनी मर्जी से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। विकास और सुशासन की राजनीति होगी। एमएलसी पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, क्या कहेंगे आज आप? श्री कामतानाथ जी, श्री संकट मोचन जी की कृपा है। एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुकाम तक पहुंचाया। इसमें हमारे बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा जिले के सभी कार्यकर्ताओं का श्रेय है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता भी सदस्य विधान परिषद बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज मैं अपने क्षेत्र प्रदेश के अंदर नेतृत्व का हृदय से वंदन अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और मैं भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से आम जनमानस को आश्वस्त करूंगा कि जो भी आप लोगों की अपेक्षाएं होंगी उस पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के बल पर पर्चा वापस करा दिया। ऐसा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वह दुरुपयोग करते थे। आपने देखा होगा सपा की सरकार में कोई दूसरा पर्चा दाखिल नहीं कर पाता था। आज जब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, तो निश्चित तौर से जब समाजवादी पार्टी टूट चुकी है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता पूर्व से ही मुझे बधाई दे रहे थे कि आप एमएलसी के प्रत्याशी घोषित हुए, आप ही विजयी प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, वह पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। लोगों ने विकास के नाम पर आम जनता के बीच में एक संदेश अच्छा जाए कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दूसरे चरण की जो सरकार बन रही है उसमें लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं उसमें हमारा क्षेत्र भी अछूता ना रहे। क्या क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती थी तो भाजपा ने बदला ले लिया? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई दूसरा व्यक्ति पर्चा दाखिल नहीं कर पाता था, क्या होता था वो आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ में चुनाव होता है। हर एक